अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले क्वालिफायर के रोमांचक होने की उम्मीद लगाकर एमए चिदंबरम स्टेडियम पहुंचे क्रिकेट प्रेमियों को निराशा हाथ लगी। मुंबई इंडियंस ने पूरी तरह से एक तरफा रहे इस मैच में एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। मैच में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही क्षेत्रों में रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस टीम चेन्नई पर भारी पड़ी। मुंबई इंडियंस ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए पहले चेन्नई के किंग्स को निर्धारित 20 ओवर्स में 4 विकेट खोकर 131 रन के छोटे स्कोर पर सीमित कर दिया। और फिर सूर्यकुमार की अर्धशतक पारियों की बदौलत 18.3 ओवर में महज 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया गया। यादव के साथ हार्दिक पांड्या 13 रन बनाकर नाबाद रहे। पारी के 14 ओवर में चेन्नई के इमरान ताहिर ने लगातार गेंदों पर ईशान किशन और कुणाल पांड्या को आउट करके रोमांच लाने की कोशिश की थी, लेकिन लक्ष्य इतना बड़ा नहीं था कि मुंबई के लिए चुनौती बन पाता। मैच में टॉस जीतकर चेन्नई ने पहले बैटिंग का निर्णय लिया था, लेकिन शुरुआती 6 ओवर में ही 3 विकेट गिरने के कारण टीम मुश्किल से उबर नहीं सकी और निर्धारित ओवर में 131 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2019 के फाइनल में स्थान बना लिया है, जबकि आज के मैच में हारने वाली एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को अब दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाले एलिमिनेटर में जीतने वाली टीम से भिड़ना होगा। यह मैच 10 मई को खेला जाएगा। बुधवार को एलिमिनेटर में प्लेऑफ में तीसरे और चौथे स्थान पर रही टीमें दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा। अगर आप भी सीएसके को फाइनल में देखना चाहते हैं तो कमेंट में धोनी तक रेट लिखना ना भूले। और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए टॉप 10 न्यूज चैनल को और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।